लाल मिर्ची को घर में पीसने के लिए नॉर्मली बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम जिस तरह से रेड चिली पाउडर तैयार करेंगे, इस तरह से आप इजीली बिना किसी एलर्जी के आप घर में रेड चिली पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति वर्मा अपने फूड चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बिना किसी एलर्जी के रेड चिली पाउडर कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर ये मैंने लाल मिर्चियों को अच्छे से सुखा लिया है। बिल्कुल ड्राई लाल मिर्ची है ये, और इनको मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। इसके लिए हमें करना क्या है, इस तरह से पहले मिर्चों को जार में डाल लेना है, और इसमें हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सरसों का तेल लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसमें बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होगी, मिर्ची उड़ेंगी नहीं। अब बस जार को बंद कर देंगे। और इस तरह से आपको कोई भी किचन टॉवल लेना है या कॉटन का कपड़ा लेना है, इसको हम इस तरह से जार के ऊपर रखकर फिर हम मिक्सी को ऑन करेंगे। इस तरह किचन टॉवल से कवर करके मिर्च बिल्कुल भी उड़कर बाहर नहीं आएगी, और आपको किसी भी तरह की एलर्जी, खांसी या छींक भी नहीं होगी, और मिर्च इजीली पीसकर तैयार हो जाएंगी। इन्हीं मिर्चों से आप चिली फ्लेक्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए आप इस तरह से 1-2 सेकंड के लिए मिक्सी को ऑन कर दें और उसमें से मिर्ची निकाल लें। ये मिर्ची यहाँ पर पिसकर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका फाइन पाउडर तैयार हो गया है, और इसी में से मैंने ये 1-2 सेकंड के लिए मिक्सी को घुमाकर चिली फ्लेक्स भी तैयार कर लिए है। इसी तरह आप चिली फ्लेक्स भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह मिर्चों को थोड़ा सा ठंडा करके आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। देखा फ्रेंड्स, ये हमारे चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर दोनों बनकर तैयार है। कितनी इजीली आप इनको बिना किसी एलर्जी के साथ घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।